नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस का। आइए डालते हैं नज़र आसपास की कुछ खास खबरों पर। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोख में पल रहे 7 माह के भ्रूण की परवाह किए बिना ही लीला ने अग्नि स्नान कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना जनपद ललितपुर के थाना मड़ावरा की है, जहां एम्बुलेंस द्वारा 70-75% अवस्था में आग से झुलसी हुई एक गर्भवती महिला श्रीमती लीला पत्नी संजू अहिरवार को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने लीला को मृत घोषित कर दिया। मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर मृतका के साथ रात भर मारपीट करने का आरोप लगाया है, तो वहीं ससुराल पक्ष ने अपने बयान में मृतका की मानसिक स्थिति खराब होना बताया है। नवोदय प्लस टाइम्स पर मलावरा से इमरान खान के साथ अभय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। लाली नाम की महिला आई हुई है अभी, जिसको लगभग 60-70% बर्न है और साथ में गर्भवती भी है वो, तो उसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ललितपुर के लिए रेफर कर दिया, जहाँ उसका उचित व सही इलाज हो सके। हमारा क्या हो गया आपकी बिटिया के साथ? मतलब आग लगा दिया हमने, जला दिया है, जला के कोई उसने आग अपने हाथ से लगाई, फिर कहने बयान दे दिया गाड़ी में, कहा हमें भाई ने आग ही लगा दी, और मारा है रात भर मारा है और सुबह आग ही लगा कर हर एक काम कटाई को कर गया साहब। अब बताओ हम आते मायके में पर घर है, तब हमें फोन किया जब हमने मालूम पड़ा जब हमें तो किसी हार के हार लगा थी, या कुछ नहीं दिया है ना पैसा ने दे रखा छीन ले के आए, अब सब रास्ता में पानी मंगाती आई ऐसे आए साहब ने बोल दी कि झांसी दिया जाने से झांसी की दवाई लगवाए थे इतने में सब खत्म हो गई, तो मम्मा कह रहे प्राण बचे माइए गई बच्ची अतिथि साहब हमारे आदमी गए नहीं हमारे आदमी परदेश में है। कब हुई थी शादी? शादी कब हुई थी? पर साल शादी किया है, एक साल तो शादी भाई पैसा भाई बच्चा कुछ नहीं है पेट में बच्चा 8 महीना लगो तो भाई साहब वहाँ कोई नहीं था, सब कटाई को निकल गए थे और कोई नहीं था, बेई थी अकेली घर है, कहे के घर ही हती बाल बच्चे हो तो उसके पेट में से कोई नहीं थी, और के जा घरे रे कटाई खोनी जे जा। तो दोनों पति पत्नी के बीच क्या कोई लड़ाई झगड़ा? कोई नहीं, पति उसका काटने गया है आदमी लेखे, तो क्या परेशानी रही? परेशानी कोई नहीं थी बाबू भाई साहब। कल शाम को कुछ हुआ? कुछ नहीं,